क्या धूम 4 में होने वाले हैं अक्षय कुमार? अक्षय कुमार के अपोजिट कौन सी एक्ट्रेस होने की खबरें हैं? क्या कहा है यशराज फिल्म्स ने इस बारे में? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जुयाल। पिछले काफी समय से यशराज फिल्म्स की धूम सीरीज को लेकर कई बातें हो रही हैं। जॉन अब्राहम, ऋतिक रोशन और आमिर खान के बाद इस सीरीज की चौथी किश्त के साथ अभी तक शाहरुख से लेकर सलमान खान के नामों का जिक्र हो चुका है। लेकिन पिछले दिनों में मिड डे में खबर छपी थी जिसमें ये कहा गया कि धूम 4 में अक्षय कुमार नजर आ सकते हैं। मिड डे ने अपने सूत्रों के हवाले से लिखा है, फिल्म 2.0 में अक्षय कुमार के लार्जर देन लाइफ के किरदार में, जो उन्होंने विलन का किरदार किया था, वो आदित्य चोपड़ा को काफी कन्विंस कर दिया है उस किरदार ने, और अक्षय कुमार धूम सीरीज की अगली किश्त के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है। इस बारे में इन दोनों की कई मीटिंग्स हो चुकी हैं जिसमें फिल्म की कहानी भी सुनाई जा चुकी है। ये किरदार एक कूल स्टाइलिश अंडरवर्ल्ड डॉन का होने वाला है, लेकिन ये धूम के पिछले विलन लोगों से थोड़ा बेहतर होने वाला है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो साल के आखिर में अक्षय और आदित्य इस बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सकते हैं। सीरीज की चौथी फिल्म में अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा का होना भी तय नहीं है। यहां तक ये भी कहा गया है कि फिल्म में अक्षय के अपोजिट मानुषी चिल्लर नजर आ सकती हैं, जो कि पृथ्वीराज में रानी संयोगिता का किरदार भी कर रही हैं। हालांकि मिड डे की खबर में ये भी लिखा गया कि जब इस बारे में उन्होंने यशराज फिल्म और अक्षय कुमार से संपर्क साधने की कोशिश की तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इस खबर के बाद DNA में एक रिपोर्ट छपी जिसमें यशराज फिल्म्स के हवाले से इस मामले पर सफाई पेश की गई है। DNA में यशराज फिल्म्स के हवाले से लिखा गया, धूम के बारे में जो खबर मिड डे में छपी है वो पूरी तरह से गलत और निराधार है। धूम हमारे लिए एक जरूरी फ्रेंचाइजी है, लेकिन फिलहाल हमारे पास धूम 4 के लिए कोई आइडिया और स्क्रिप्ट नहीं है। हम आपके किसी भी और कभी भी जो भी सवाल है हम आपके लिए उपलब्ध हैं, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपसे अनुरोध करते हैं कि प्लीज़ अपनी खबरों को हमारे साथ एडवांस में ही डबल चेक किया कीजिए ताकि हम आपको सही जानकारी मुहैया करा पाएं। अक्षय कुमार फिलहाल यशराज फिल्म्स के साथ पृथ्वीराज कर रहे हैं, इन्हीं वजहों से इन खबरों को बल मिला होगा कि अक्षय कुमार यशराज की फिल्म पृथ्वीराज के बाद धूम 4 में काम कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल अक्षय कुमार के हाथ फिल्मों से भरे हुए हैं। आने वाले दिनों में उनकी गुड न्यूज़, सूर्यवंशी, बच्चन पांडे और लक्ष्मी बॉम्ब जैसी बड़ी बड़ी फिल्में आने वाली हैं। इनमें से अधिकतर की शूटिंग अक्षय तकरीबन निपटा चुके हैं, सिर्फ बच्चन पांडे का काम बचा है। साथ ही बेल बॉटम की शूटिंग चल रही है ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में। तो दोस्तों, क्या चाहते हैं आप कि धूम 4 में अक्षय कुमार हो? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड अपडेट्स के लिए, टॉलीवुड हॉलीवुड खबरों के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।